हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ जाते जा रहे हैं आज। तो ये देखिए, मैंने मास्क भी ले लिया है, तो आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे का। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे पैतृक गांव का सूर्य मंदिर। तो हम लोग आज यहाँ पे आए हैं, तो ये हमारे पूर्वजों का गांव है। और ये देखिए, ये यहाँ का सूर्य मंदिर है। तो मैं मंदिर के जो ऊपरी मंदिर का ऊपरी हिस्सा है, चबूतरा है, तो मैं उसी पे खड़ी हूँ अभी। तो मैं वीडियो जो है थोड़ा बना रही हूँ। ये गांव का व्यू है, तो देखिए कितना सुंदर है, हरा भरा। और यहाँ पे ये जो पानी दिख रहा है, ये कुंड है, तो ये यहाँ का सूर्य कुंड है। अभी मैं इसको आपको पास से दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद। ये देखिए, यहाँ पे कुछ पक्षी भी हैं। ये बहुत बड़ा कुंड है और इसकी कहानी जो है नैमिषारण्य से जुड़ी हुई है, तो वो मुझे पता नहीं है कुछ है इसकी कहानी की। बताते हैं लोग, यहाँ पे जो नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ थे, तो पहले यहाँ पे बनना था उसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जगह कम होने के कारण नीमसार में बना है। तो यहाँ की बहुत मान्यता है। और ये यहाँ पे शनि देव की मूर्ति है, छोटा सा मंदिर है। ये देखिए, ये शनि देव की यहाँ पे मूर्ति स्थापित हुई है। ये अभी थोड़े दिन पहले बनाई गई, पहले नहीं थी। देखिए, ये मंदिर के पास साइड से ये स्कूल दिख रहा है, ये सरकारी स्कूल है। ये देखिए, मैं चारों तरफ से ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को गांव का नज़ारा। तो ये देखिए, कुछ महिलाएं भी आई हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये गांव की ही महिलाएं हैं। तो ये देखिए, कितना बड़ा कुंड है, तो इसको सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो है बताते हैं, कुष्ठ रोगी जो होते हैं वो नहाने के लिए आते हैं और वो ठीक भी हो जाते हैं। यहाँ पे तो कुछ पशु हैं, पशुओं को लोग, हमें लग रहा पशुओं को लोग कुछ चरा रहे हैं, तो वही मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए पक्षी, ये बदक हैं, पता नहीं क्या है, बदक जैसी लग रही, बदक हैं। ये देखिए कुछ बदके थी। और ये देखिए, ये बहुत दूर तक ये है कुंड, और इसका पानी मतलब बहुत पवित्र मानते हैं यहाँ के लोग, और पीने के लिए भी ले जाते हैं, इसको प्रसाद में भी ग्रहण करते हैं प्रसाद की तरह। और ये देखिए, ये कुछ बच्चे यहाँ पे ये देखिए खेल रहे हैं। और ये पानी मतलब ऐसा है कि इसको आप बोतल में रख के घर में चाहे जितने दिन तक रख लीजिए, इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। मैं लाई थी पिछली बार जब गई थी, तो अभी भी रखा था, अभी तक रखा, अब ख़त्म हो गया मेरे पास। तो इसमें बिल्कुल भी कीड़े और बिल्कुल भी गंदा नहीं, बिल्कुल जैसे गंगा जल होता है बस उसी के समान है, ये इसको मानते हैं लोग। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है, ये सूर्य मंदिर का जो है ये मेन गेट है। तो ये गांव से थोड़ी ऊंचाई पे है, तो ये देखिए ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। तो ये आगे का गेट है, मतलब मेन गेट, और एक गेट पीछे की तरफ है, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। ये देखिए, ये पेड़ देखिए कितने पुराने हैं, बहुत पुराने पेड़ हैं यहाँ पे। ये पीछे का गेट है, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बनी हैं ऊपर जाने के लिए। ये देखिए, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पीछे की साइड में कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो टूट गई हैं, वो पीछे रख दी गई हैं।
तो ये बाबा जी जो हैं ये यहाँ पे जो है यहाँ की देख रेख करते हैं, और ये यहाँ की विशेषता के बारे में बता रहे थे। और ये इन्हीं का ये रूम है छोटा सा, इसी में रहते हैं ये, और यहाँ की देखभाल यही करते हैं और भगवान मंदिर है बता रहे थे बाबा जी। और ये इनका जो देखिए छोटा सा रूम है, अंदर भी ये भगवान जी की फोटो लगी हुई है। मनोकामना परिक्रमा करके तुम अगर करो तो तुम्हारा मनोकामना बिल्कुल भी पूर्ण हो। ये तपोस्थली है, भोलेनाथ का भी मंदिर बना हुआ है, देवताएं यहाँ तपस्या की। मैंने थोड़ा सा गुप्ता जी को इस पे जो आएगा पकड़ाया था, वो कह रहे थे बस तुम्हें पकड़ो तुम्हें काम करो, ये तो कह रहे थे रोगी लोग आते हैं। ये यहाँ का ये मेन मंदिर है, ये सूर्य मंदिर है, देखिए ये सूर्य भगवान की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है, और सूर्य भगवान के आगे ये कार्तिकेय जी की ये मूर्ति रखी हुई है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये विराजमान है। इन्हीं की बहुत मतलब यहाँ पे मान्यता है। तो ये देखिए ये हमारे गाँव का वीव है, तो मैं गांव के अंदर से हम लोग निकले थे, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपने गांव का घर दिखा रही हूँ। ये हमारे मतलब पूर्वजों का मकान था, ये इसमें नीली कलर की पन्नी जैसी लगी है। तो ये सारा हमारे ही मतलब बाबा लोगों का मकान था, वो यहीं पे रहते थे पहले, ये सब कच्चा मकान हुआ करता था। तो मतलब बता रहे थे ये एक लोग मिल गए थे, तो ये वो सब गांव के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे डकैती वगैरह बहुत पड़ती थी, तो तभी सब लोग सब शहर में चले गए, अब गांव में कुछ ही लोग बचे हैं। गांव तो बहुत बड़ा है। तो ये देखिए गांव के बाहर का थोड़ा सा मैंने ये वीडियो बनाया है, देख हरे भरे खेत कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम लोग वापस आ रहे थे घर के लिए, तो मैंने रास्ते में थोड़ा वीडियो शूट किया था, बस बाइक पे चलते चलते। ये गांव के अंदर ही हैं अभी हम लोग, अभी बाहर नहीं है। अब ये देखिए रास्ते में ये नदी पड़ी थी, तो मैं थोड़ा यहाँ पे रुकी थी। और ये देखिए ये हम लोग जब वापस घर आ रहे थे, तो हम जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये वहाँ का काली जी का मंदिर है, ये भी बहुत मतलब प्रसिद्ध मंदिर है। तो बहुत दिनों से यहाँ पे भी हम लोग नहीं जा पाए थे, तो हम रास्ते में रुक के यहाँ भी दर्शन किए थे, लेकिन अंदर ताला पड़ा हुआ था और मंदिर बंद था, मतलब मूर्ति के पास जो ये ग्रिल जैसी लगी तो इसमें ताला लगा हुआ है। ये देखिए ये हमारी माता रानी है, ये देखिए कितनी सारी घंटियाँ बंधी हुई है, मान्यता की भी बहुत सारी घंटियाँ हैं, जो लोग यहाँ मान्यता करते हैं वो घंटी बांधते हैं। ये देखिए हमारी माता रानी विराजमान है, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मैंने कैमरा जूम तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता की।